So once again, good afternoon. Is my screen visible? Use chat box to answer yes or no. Thank you very much to all dear students who responded. Thank you very much. आशीष राज, प्रेरणा कुमारी, आदित्य कुमार, थैंक यू. सो ऑन स्क्रीन इट इज द पीडीएफ विच वी प्रोवाइडेड यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. And today in this class, I am going to discuss the chapter through this PDF. बच्चों यह PDF है, notes है, PDF के रूप में जो आपके पास already है, किन्हीं के पास नहीं होगा. अगर किन्हीं के पास यह PDF नहीं होगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना, मैं भेज दूंगा. चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट. पॉइंट्स टू नोट. सबसे फर्स्ट में है डेवलपमेंट. बच्चों डेफिनेशन का कोई लिमिट नहीं है कि नहीं यही सेंटेंस लिखना है आपको डेफिनेशन में. You can write some other relevant definition, okay? पर बात करनी है, so I have some definition on the screen. Development is the positive change that raises the quality of life. Development positive change को कहते हैं जो जीवन की जो क्वालिटी है लाइफ की उसको राइज करता है, इनहेंस करता है. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल सेंस. यह जनरल सेंस में मीनिंग हुआ डेवलपमेंट का. इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इट रिलेट्स विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी की बात करें तो यह इकोनॉमी के ग्रोथ से है, अलोंग विथ द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लाइक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. अगर हम इकोनॉमी के टर्म में बात करें, इस बात को समझने के लिए बच्चों हिस्ट्री का आप फर्स्ट चैप्टर को याद करो. Recall chapter 1 of history where we taught you the meaning of liberalism in different aspect. For politician, liberalism has different meaning. For individual, it has different meaning. In economic sphere, it has different meaning. Similarly, development general means positive change. But when we talk in economy, it relates with the growth of economy along with people's health, education and some other indicators also which we already studied in this chapter. As far as understanding of chapter from the book is concerned, we already done it. Now we are seeing the PDF and some important points of the chapter. तो ये हुआ डेवलपमेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट. अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट को लेकर
विचार जो है, सोच जो है, वह अलग अलग होती है। क्यों होती है? बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ द पर्सन्स आर डिफरेंट। अलग अलग लोगों का अलग अलग लाइफ सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली उनका डेवलपमेंट को लेकर सोच भी अलग अलग है। ठीक है, बिकॉज लाइफ सिचुएशन इज डिफरेंट एंड देयर फॉर एस्पिरेशन एंड डिजायर्स एंड गोल्स आर डिफरेंट। लोगों का अलग अलग लाइफ सिचुएशन है, इसलिए लोगों की उम्मीदें आने वाले समय को लेकर के उनके गोल अलग अलग हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर फोर, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। अब बच्चों ये ध्यान रखना, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर। हम अपने जीवन में, हम हर एक कोई, तुम भी मैं भी आपके फ्रेंड मेरे फ्रेंड, हर कोई, अगर डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं जनरली, तो हम पैसे को देखते हैं। अगर किसी परिवार के डेवलपमेंट की हम चर्चा करते हैं इन जनरल, हम लोग इनकम देखते हैं। ठीक है, पर इनकम के साथ साथ दूसरी बातें भी हम लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और हम उसको चाहते हैं कि वो हमें मिले। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सुरक्षा और रेस्पेक्ट, दूसरे हमसे रेस्पेक्ट करें। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि हम इनकम को ना देखें, हम इनकम को ना देखें और दूसरे गोल हमारे के लिए इंपॉर्टेंट हो। कभी कभी ऐसा लगता है बहुतों को, आप बहुत सारे मूवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, बहुत से विद्वानों की बातों को सुनते होंगे, तो वो कहते हैं अरे पैसा ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पर दूसरी चीजें भी तो देखो, दूसरी क्वालिटी भी तो देखो। और कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा आता है कि इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दूसरी बातें। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, ठीक है, खरबों रुपया उसके पास है, कोई कमी नहीं है पैसे की, उस समय उसकी प्रायोरिटी यही होगी कोई ले ले उससे करोड़ों रुपया, उसको ठीक कर दे। तो सिमिलरली देयर आर मेनी अदर सिचुएशन जहां इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी बातें हो जाती हैं। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, क्योंकि पैसे से, इनकम से जो हम मटेरियल गुड्स खरीदेंगे वो केवल वही जरूरी है लाइफ के लिए, ऐसा नहीं। वी नीड रिस्पेक्ट, वी नीड लव, वी नीड केयरिंग, वी नीड फ्रीडम, वी नीड लिबर्टी। नाउ पॉइंट नंबर फाइव, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल। ये बात समझने वाली है, डेवलपमेंट के लिए हम लोग केवल इनकम ही नहीं देखते हैं, हम लोग मिक्स गोल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नौकरी लगा, अपने घर पर वह है और दूर उसे किसी दूसरे देश में नौकरी लगा,
50,000 रुपये की, या किसी और दूर शहर में 50,000 की नौकरी लगा, 50,000, और उसको अपने घर के पास 40,000 की नौकरी मिल रही है, मैक्सिमम चांस है कि व्यक्ति अपने घर के नजदीक नौकरी करना पसंद करेगा कि वह घर के पास ही रह जाए। हाँ, कुछ वैसे कंडीशन हो सकते हैं कि वह दूर की नौकरी पसंद करें, ठीक है। देर में भी सम फैमिली सिचुएशन, देर में भी सम अदर इश्यूज इन विच बाई कंसिडरिंग दोज कंडीशन ही और सी माइट ऑप्ट टू गो आउट। तो हम लोग मिक्स गोल को देखते हैं, हम लोग केवल पैसे ही नहीं देखते हैं। अगर हमको दो जगह से पैसा मिल रहा है, कोई एक जगह से पैसा कमा सकते हैं, तब हम दूसरी फैसिलिटीज को देख रहे होते हैं। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। अपना अपना डेवलपमेंट को लेकर तो हमारा विचार अलग अलग है। देश कैसे तरक्की करेगा, हाउ द कंट्री विल डेवलप, इसको लेकर के भी हम लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, यहाँ तक कि कंफ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इकोनॉमिस्ट को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से देश का डेवलपमेंट होगा, एट द सेम टाइम देर आर अदर थॉट, देर आर अदर इकोनॉमिस्ट हु थिंक कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर आवर कंट्री, वी नीड नेशनलाइजेशन। सो बोथ इकोनॉमिस्ट दे आर ड्रीमिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट, बट द अप्रोच हाउ द कंट्री विल बी डेवलप टू वन, देयर थॉट्स आर कंफ्लिक्टिंग। प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन बोथ आर कंफ्लिक्टिंग थॉट, बट बोथ थिंकिंग अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यह एक एग्जाम्पल हुआ बच्चों कि हम दो लोग देश की तरक्की हो इसी को सोच रहे हैं, लेकिन कैसे तरक्की हो, यह जो नोशन है वह कंफ्लिक्टिंग हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 7, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। पॉइंट नंबर 7, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, देशों को कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अक्सर हम क्या करते हैं कि देशों की तुलना जब करना हो, हम जल्दी से उसका इनकम देख लेते हैं। कुछ लोग तो टोटल इनकम देखते हैं, तो टोटल इनकम तो यूजफुल मेजर नहीं है। टोटल इनकम ध्यान देना, क्यों? क्योंकि किसी देश की आबादी कम है, किसी देश की ज्यादा। अब 10 लोग मिलकर के, ठीक है, 10 पीपुल्स टुगेदर अर्निंग 50,000, एक दूसरा ग्रुप है 5 पीपल अर्निंग 50,000, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? 10 लोग मिलकर के 50,000 कमाए, और कोई दूसरा ग्रुप है 5 लोग मिलकर 50,000 कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर से 5 वाला ग्रुप ज्यादा इनकम कर रहा है जनरेट, कंपेरेटिवली एवरेज में। तो इसलिए बोला गया है कि टोटल इनकम देखना किसी देश का वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, देशों की अलग अलग आबादी है। इसलिए हेंस हमें क्या करना चाहिए, एवरेज इनकम निकालना चाहिए। वी शुड फाइंड आउट एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज एंड देन कंपेयर। और इस एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखिएगा, एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, यू ऑलरेडी नोइंग, मैथ्स आप बनाते हो, ठीक है, इवन इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो। खैर, यहाँ दिया हुआ है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल
पॉपुलेशन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। किसी देश का जो टोटल इनकम है उसको हम उसके पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। और एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो सो फार वी डिस्कस्ड पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। वी डिस्कस्ड सेवन पॉइंट्स। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर एट। पॉइंट नंबर एट, पॉइंट नंबर एट है, पॉइंट नंबर एट, मनी इन योर पैक पॉकेट, मनी इन आवर पॉकेट और योर पॉकेट, ठीक है, मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव। जो मनी है हम लोगों के पॉकेट में, ठीक है, हमारे जेब में जो पैसे हैं उससे हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग तो कॉमन पीपुल हैं। इवन द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड कैन नॉट बाय ऑल द फैसिलिटीज इन अ कंट्री बाय हिज मनी, थ्रू हिज मनी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, आज के डेट में तो एलन मस्क का नाम आता है, इवन वह भी अपने पैसे से अपने देश का सारा फैसिलिटी नहीं खरीद सकता। ही नीड गवर्नमेंट हेल्प, ही नीड सम फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। और हम लोग तो कॉमन मैन है, हम लोग को तो और चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ फैसिलिटी के लिए हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हम कॉमन मैन कहाँ से हॉस्पिटल बनाएंगे। एजुकेशन के लिए विद्यालय चाहिए, देर आर मेनी अदर थिंग्स, वी नीड अदर फैसिलिटी। अब जो बिजनेसमैन भी है, आप बोलोगे बिजनेसमैन तो हॉस्पिटल खोल लेंगे, सही बात है, दे कैन रन देयर ऑन हॉस्पिटल, दे कैन रन देयर ऑन स्कूल, पर बिजनेस करने के लिए मुंबई में उनका फैक्ट्री हो और गया में प्रोडक्ट लाना हो, तब उन्हें जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, फैसिलिटी की, सड़कें की, इतना लंबा चौड़ा सड़क भी बनवाएं, ठीक है, बहुत से बड़े बिजनेसमैन की बस की नहीं होगी, कुछ बनवा भी पाएंगे तो फिर कितने पैसे लग जाएंगे। फिर साथ में दूसरी और फैसिलिटीज, दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। सो ईच एंड एवरी वर्क डन बाय वन सिंगल मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द मनी दे हैव। उनके पास जो पैसे हैं उस में तो ये पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड गवर्नमेंट, वी नीड हेल्थ, वी नीड सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक, एच डी आई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चैप्टर में एच डी आई की बात हुई है, स्पेशली इन यूएनडीपी एस्पेक्ट। तो एच डी आई का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पॉइंट नंबर 10, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका इसका डेफिनेशन क्या है। द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जिस समय हम बात कर रहे हैं या जिस समय वह व्यक्ति जन्म लिया है, उस समय व्यक्ति की औसत आयु, ठीक है, एवरेज लाइफ, मतलब हम कितना उम्मीद करते हैं। अगर आज के रेट में हम क्या उम्मीद करते हैं, कोई एक मान लो आज के रेट में बच्चा जन्म लिया, कोई आज के रेट में कोई व्यक्ति है, हम क्या उम्मीद करते हैं, यार 70 साल तो जिएगा इन जनरल। किसी को कोई बीमारी है, एक्सेप्शन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली क्या है, 70 साल तो आदमी जिएगा, 70 से ऊपर जितना जी ले वो प्लस में, ठीक है। तो
ये अपने अपनी जगह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, कोई कितना जिएगा। तो आज के रेट में तो 70 ईयर्स कॉमन है, ठीक है, इवन लोग 80 तक आराम से जी ले रहे हैं। हाँ, 80 के बाद आपको देखने को मिलेगा, बड़ी संख्या में देखोगे अगल बगल, ठीक है, गांव मोहल्ले में 80 ईयर्स अबव लोगों का डेथ। एक्सेप्शन अलग बात है बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन कोरोना पीरियड हम लोगों ने बुरे दिन देखे, जहाँ बहुत कम उम्र के हम लोग के जाने पहचान वाले लोग गुजरे, दैट इज द एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि वो बीमारी का दौर था, बीमारी से ग्रसित होकर के लोग बहुत गुजर गए, वो एक अलग बात है, ठीक है। बीमारी बीमारी वगैरह को छोड़ दें, एक्सेप्शन छोड़ दें, एवरेज आज के डेट में हम लोग 70-80 आराम से देखते हैं लोगों को जीते हुए। ये हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटा इनकम है पॉइंट नंबर 11, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम वी ऑलरेडी टॉक्ड, कैसे निकलेगा? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और पर कैपिटा इनकम जो है जनरली हम लोग डॉलर में निकालते हैं पूरी दुनिया के कंट्रीज का, जिससे इजी हो जाए कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 12 इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको केयर करते हुए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंपेयरिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन। ध्यान रखिएगा, जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वह प्रेजेंट जरूरतों को पूरा करने की बात करता है, पर साथ में रिसोर्सेस को बचाने की बात भी करता है। मीन्स वी शुड नॉट ओवर यूज, वी शुड नॉट मिस यूज द रिसोर्सेस, वी शुड जुडिशियसली यूज द रिसोर्सेस। हम लोग को रिसोर्सेस का जुडिशियस यूज करना चाहिए, ठीक है, मतलब हम जितना जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, दिमाग लगा करके, ये नहीं कि फिजूल खर्ची कर रहे हैं। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड। बच्चों देखो, जनरली रहेगा, द आंसर विल बी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इफ द क्वेश्चन इज जनरली। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर करता है? एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम देखता है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा, यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम, एज वेल एज अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इंडिसेस और पॉइंट्स। यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम तो देखता ही है, पर साथ में दूसरे हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पर कैपिटा इनकम इज द आंसर। नाउ नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। हिंदुस्तान से अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? ठीक है बच्चों, किताब में पुराना डाटा है, पुराना डाटा के अनुसार आंसर इज श्रीलंका, आंसर इज श्रीलंका। लेकिन अगर एग्जाम में कोई नया डाटा आपको मिलता है तो आप आंसर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा विच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। अगर जनरली पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन, आंसर विल बी श्री लंका, आंसर विल बी श्री लंका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहा है, ये कैलकुलेशन है, बड़ा इजी कैलकुलेशन है मैथ्स का। चार परिवार का एवरेज इनकम है 5,000, 5,000 एवरेज इनकम है, मतलब
परिवार का कमाई हो जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000। तीन परिवार का दिया हुआ, थ्री फैमिलीज का, एक का है 4,000, एक का 7,000, एक का 3,000, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाता है 14,000। अब यह बोल रहा है कि फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ फैमिली का इनकम क्या होगा, तो टोटल इनकम हो जाता है 20,000, तीन जो दिए हुए उनको जोड़ के हो रहा है 14,000, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6,000, एंड द आंसर इज 6,000, 6,000 इज द आंसर, 6,000। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑन योर स्क्रीन। मेन क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो मेन क्राइटेरिया मैंने कई बार बोला, यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक का मेन क्राइटेरिया दुनिया के इनकम को कंपेयर करने का है, पर कैपिटा इनकम देखना, पर कैपिटा इनकम आल्सो नोन एज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन है एवरेज इनकम का, इट डज नॉट टेल अस अबाउट हाउ द एवरेज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपुल इन द इंडिविजुअल। एवरेज इनकम का यह डिसएडवांटेज है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, ये तो हमने एवरेज निकाला, देश के टोटल इनकम को देश की आबादी से डिवाइड कर दिए, ठीक है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रिजेश हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसका आमदनी कितना है, या फिर उस एज ग्रुप का, या फिर उस इकोनॉमिक ग्रुप का क्या इनकम है, तो ये डिसएडवांटेज है। आगे और देखते हैं, द कंट्रीज विद द सेम पर कैपिटा इनकम माइट बी वेरी डिफरेंट विथ रिगार्ड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा हो सकता है कि किसी दो देश का पर कैपिटा इनकम $5,000 हो, लेकिन लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था चैप्टर में, चैप्टर में एक था टेबल, कंट्री ए कंट्री बी करके, ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, पता नहीं चलता है, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वन माइट हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम व्हाइल द अदर माइट हैव ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। हो सकता है 5,000 $5,000 पर कैपिटा इनकम वाले दो देश में, एक देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जबकि दूसरे देश में हो सकता है कि कुछ लोगों के पास खूब पैसे हो और कुछ के पास, ठीक है, भीख मांगने वाली स्थिति हो। तो वह देश जहां कुछ के पास पैसे पूरा इकट्ठे हो गए हैं और बाकी हैं दे दे बाबा के स्थिति में, भीख मांगने वाली स्थिति में, पुअर स्थिति में, तो वहां तो उस देश में होगा क्या चीज, क्रांति, मारधाड़, कॉन्फ्लिक्ट, रिवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो हमने क्वेश्चन नंबर फोर में बात किया वर्ल्ड बैंक के विषय में, क्वेश्चन नंबर फाइव इज टॉकिंग अबाउट यूएनडीपी, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर यूएनडीपी को देखें तो वर्ल्ड बैंक से अंतर क्या है, वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम को देख रहा है, जबकि यूएनडीपी बिसाइड्स कंसिडरिंग माने पर कैपिटा इनकम को तो देखता ही है, साथ में देखता है एजुकेशन की स्थिति क्या है, साथ में देखता है उस देश में हेल्थ केयर की स्थिति क्या है, फैसिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, और दूसरे और क्राइटेरिया भी यह देखता है। इसका मतलब यूएनडीपी अपने रिपोर्ट में काफी कुछ इंक्लूड करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक केवल ओनली पर कैपिटा इनकम, दैट इज द एवरेज इनकम। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाई डू वी यूज
एवरेजेस, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, हम एवरेज यूज, जस्ट अ मिनट, हम लोग एवरेज यूज क्यों करते हैं? ठीक है, हमने अभी बात किया कि एवरेज यूज करने का, पर कैपिटा इनकम यूज करने का अपना लिमिटेशन है, पर हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट कंसिडर्ड अ यूजफुल मेजर बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। टोटल इनकम हम अगर देशों का देखेंगे तो अलग अलग देशों की अलग अलग आबादी है, तो यह उचित नहीं होगा, यह सही नहीं होगा, इसलिए इससे बेटर यह है कि हम एवरेज इनकम देख ले, हम टोटल इनकम देखें, सॉरी मिस्टेक हो गया बाद में बोलने के में, एवरेज इनकम देखें मतलब पर कैपिटा इनकम देखें। ठीक है, इन कंपैरिजन टोटल इनकम के, पर कैपिटा इनकम गिव्स मोर क्लियर आइडिया ऑफ द कंट्री सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा, आर देर एनी लिमिटेशन? हाँ जी लिमिटेशन है, लिमिटेशन की बात हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी किया। यस, क्या लिमिटेशन है? बिकॉज दिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच में पैसे कैसे बैठे हुए वो पता नहीं चल रहा है, या दूसरी व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट डज नॉट शो परसेंटेज ऑफ पुअर इन द पॉपुलेशन। अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखेंगे तो हमको पता नहीं चलता है कि देश में कितने लोग गरीब हैं। अगला क्वेश्चन, देर आर थ्री क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, बी केयरफुल, दिस क्वेश्चन हैज थ्री पार्ट, पहला का उत्तर हो गया, सेकेंड वन वी हैव सीन, नाउ इल्यूस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, अपना एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल में ही हम लोगों ने यह बात कर लिया था कि पर कैपिटा इनकम जो है वह सब कुछ नहीं दिखाता है, वह नहीं बताता है कितने लोग गरीब है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग टुडे, आफ्टर दैट इफ एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स और वी विल सी इन ऑफलाइन क्लास टुमारो। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन इज केरला, ठीक है, केरला, कई बार हम लोगों ने डाटा में इसका जिक्र किया, इस स्टेट का। केरला विच लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा, जो डाटा अवेलेबल है हमारे किताब में, ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बदलते समय के साथ डाटा बदल सकता है। ठीक है, मैंने आपको क्लासरूम में बताया कि अगर आपको सिचुएशन अलग दिया जाए आंसर चेंज होने की संभावना होगी। ठीक है, वी हैव टू सी द प्रेजेंट डाटा, वी हैव टू सी द डाटा अवेलेबल। तो जो अवेलेबल डाटा आज के दौर, आज के दिन में है एनसीईआरटी की किताब में, उससे अगर हम लोग बात करें तो केरला का बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट है इन कंपैरिजन टू हरियाणा। ठीक है, लिविंग पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हरियाणा का ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में केरला की स्थिति अच्छी है, हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, बोल रहा है इसलिए पर कैपिटा इनकम ज्यादा यूजफुल नहीं है, शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट, डू यू एग्री, डिस्कस। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि डू यू एग्री, डिस्कस, ये मेरा आंसर है, आप यस लिख करके भी तर्क दे सकते हो, बट माई आंसर इज नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया। ठीक है, मेरा यह समझ है कि पर कैपिटा इनकम बिल्कुल खत्म तरीका है, बिल्कुल बेकार है, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, इट इज यूजफुल, हाँ इट हैज सम लिमिटेशन। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज यूजफुल। ठीक है, केरला विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ये आगे बता रहा है क्यों। जैसे तो केरला जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है देन पंजाब बिकॉज, ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज छूट गया, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड
यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। वुमेन डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन, इनकम को देखते हैं। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल एट ऑल। ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट रैंकिंग में, ठीक है, पंजाब की जगह हरियाणा कर लेना बच्चों, ठीक है, या देख लेना अगर आपके किताब में पंजाब आया हो तो पंजाब लिखना, ठीक है। अगर डाटा चेंज हो, नाम चेंज हो, अकॉर्डिंगली आप चेंज करके काम करना। क्या बोल रहा है, वुमेन डेवलपमेंट रैंकिंग में हम जो रैंक निकालते हैं या जो रिपोर्ट देते हैं वे हेल्थ, एजुकेशन, इनकम को देखते हैं, ठीक है, सही बात है, इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पर कैपिटा इनकम बिल्कुल यूजलेस हो गया, ठीक है। रैदर पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर एंड कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, बल्कि पर कैपिटा इनकम भी एक डेवलपमेंट फैक्टर है, हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक तो इसी को देखता है, ठीक है। With this, now I am going to stop the class. We will meet together. We will see each other tomorrow in offline class. Thank you. Have a nice day. God bless you all. Thank you very much. Be with me. Have a nice day.